जमीनी विवाद में दबंगों द्वारा मारपीट, घटना को लेकर पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा, न्याय की लगा रहा गुहार। खबर उत्तर प्रदेश की जनपद गोंडा से सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश में फिर एक बार भाजपा की सरकार बने, योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। एक ओर जहां महिला सुरक्षा के तमाम दावे किए जा रहे हैं, वहीं दबंगों का कहर बहन बेटियों महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मूर्ख दर्शक बनी रहती है। ताजा मामला गोंडा जनपद उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिशुनपुरा खुर्दगांव के कुछ दबंग लोगों ने पुरानी जमीनी विवाद को लेकर 17 मार्च को गरीब परिवार के घर में घुसकर की मारपीट। कई लोगों को आई गंभीर चोटें। श्यामलाल यादव, अंचल यादव, आराध्या यादव हुई गंभीर रूप से घायल। पुलिस को दी गई सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस, खड़ी तमाशा देखती रही। गांव के लोगों ने एम्बुलेंस जिला अस्पताल भिजवाया, जहां चल रहा था इलाज। थाने में पीड़ित ने तहरीर देखकर दबंगों के खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने तहरीर देकर दबंगों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। आरोपियों की नहीं की गई गिरफ्तारी। बताया जाता है कि काफी दिन से जमीनी विवाद चल रहा था। गांव के दबंग लोग एक घर में घुसकर बंद कर लिया दरवाजा। घर में बैठे परिवार के लोगों पर घर कब्जा करने की नियत से लाठी डंडे लोहे की रॉड से कर दिया हमला, जिसमें महिला, दो लड़कियां अंचल यादव, आराधना यादव को मारपीट कर पिता श्यामलाल यादव को मारा, सर में आई गंभीर चोटें। थाने की पुलिस को दी गई सूचना, मौके पर पहुंची पुलिस के सामने दबंग मारपीट कर रहे थे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कल शनिवार को डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया। पीड़ित परिवार जिला अधिकारी से मिल कर दिया प्रार्थना पत्र। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, घटना की कराई जाए जांच, हमें मिले न्याय। इसके पहले एसपी डीआईजी से पीड़ित परिवार मिल चुका है, नहीं हुई सुनवाई। घायल लड़की चंचल यादव मीडिया से बात करते हुए बताया कि दबंग कई बार हम लोगों को मार चुके हैं, हमारा घर कब्जा करना चाहते हैं। उमरी बेगमगंज थाने की पुलिस मिली हुई है। गंभीर धाराओं में हमारा नहीं दर्ज हुआ मुकदमा। पिता बहन के साथ दर दर भटक रहे, नहीं हो रही मेरी कहीं सुनवाई। वहीं बड़ी बहन आराध्या यादव ने रो रोकर पुरानी जमीन विवाद को लेकर गांव के दबंगों, सूबेदार, थानेदार, जिलादार द्वारा घर में घुसकर लाठी डंडे से हमको, हमारी बहन आंचल व पिता माँ को मारपीट और घायल कर दिया। थाने में दी गई तहरीर, मामूली धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा। 307 मुकदमा दर्ज करने के लिए एसपी डीआईजी से भी मिल चुके हैं। आज जिला अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पर आए हैं। हमारी मांग है कि दबंगों आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उनकी जाए गिरफ्तारी, हमें मिले न्याय। अगर ये न्याय हमें नहीं मिलेगा तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से हम लोग मिलेंगे। और डीएम कार्यालय क्यों आई हो, क्या मामला है, कहां? मेरा नाम है चंचल यादव, मेरा थाना लगता है उमरी बेगमगंज, मेरे गांव का नाम है बिशुनपुर खुर्द पोस्ट बक्साइला। मैं वहां से आई हूं, बहुत पीड़ित हो चुकी हूं, बार बार एप्लीकेशन देती हूं, कोई हमारी सुनवाई नहीं देती है, होती है, हमको बार बार मारा जाता है, हमको घर के अंदर बंद कर मेरा गेट के अंदर ताला लगा के मारा गया है, छेड़छाड़ी के। प्रशासन खुद हमारे घर के अंदर थी, पर प्रशासन से बोले सर हमको बचाओ, वो और हमको गाली देने लगे, कोई हमको बचाया नहीं। हम बेहोश हो गए तो एक रिक्शा वाला भैया जा रहा था, वो मुझे लेकर आया, एडमिट किया, मुझे कोई साधन भी वहाँ से नहीं। 17 तारीख की एक बजे टाइम की है, डेढ़ बजे खा गया है मेरा, कुछ कोई सुनवाई नहीं हुई है। खाए हमारे पापा, खाए हमारी दीदी, खाए हमारे छोटे भाई बहन, हमारे घर में कोई ऐसा नहीं है कि कोई चोट ना खाया हो, कोई नहीं कि हमको वहाँ से भगा दिया गया। समय कहाँ आई हो? जिलाधिकारी यहाँ महिला थाना गए, वहाँ पर भी कोई हमारी सही सुनवाई नहीं हुई, गए और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद हमें नहीं पता है कहाँ कहाँ हमारी दीदी लेकर गई। किस थाने से आए हो, क्या मामला है, डीएम के यहाँ क्या देने आए हो? हम आए हैं ग्राम बिशुनपुर खुर्द से, मौजा बक्सैला है हमारा और थाना उमरी बेगमगंज में पड़ता है। और हमारे घर पे आज सालों से अत्याचार कर रहा है हमारा पटीदार, और आपराधिक लोग जो है इसके साथ में जुड़े हुए हैं और जानलेवा हमला किया है। दिन 17 को, जिस दिन होली मनाना था, हमारे घर होली नहीं मनी है, हमारी लड़की को छेड़छाड़ किया है, मारा है, सर फट गया है। इसको बचाने के लिए जब मैं आया, मेरे घर में चारों तरफ से लॉक कर दिया गया, घर में दीवार फोड़ दी गई, सारा सामान उठा ले गए, हमारा जो भी था, कपड़ा लत्ता, गेहूँ चावल आटा चूल्हा चौका, और बैग में पैसा लड़का लेके आया था
अपनी पेमेंट लेकर के, कितना था 19,000 वो रुपए लेके चले गए। हमको भी जब बचाने गए तो हमारा तो गला कसा गया और हमारे पैरों में मारा ऐसा मारा कि पूरा खून से वो लोग सरोवर हो गए और जब वहाँ अभी भी घर में ब्लड पड़ा हो। थाने में जो है हम उस हालात में रहने गए, पहले हम थाना कई बार जा चुके हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं थाना किया और थाना पुलिस वर्तमान पहुँच चुकी थी, पुलिस ने उनको कोई पकड़ा नहीं, रुपया दे रहे थे वो लोग थे उनको, हम लोग वीडियो बना रहे थे जब ये आक्रमण वो लोग किए हैं, दिन को 1:30 बजे किए हैं तो वो लोग जो है आदमी लोग आए हैं हमको बचाने के लिए, हमारे गले में वो क्या नाम है गौछा कस करके। थाना पुलिस वहाँ आ चुकी थी लेकिन हमारा बचाव पुलिस ने नहीं किया है, हम पिटते गए, हम मारते गए, हमारी मतलब जान माल का हमला दोनों किया गया, हम आज डेट हैं, हम बचा दिया भगवान ने, किस तरह से हमको भगवान जाने, हमारा पूरा ब्लड निकल। भाई यार हम यहाँ DM कार्यालय पे आए, एस गए, फिर महिला के यहाँ गए, महिला थाना DI। और मेरा नाम आराध्या यादव है, मैं रो रही हूँ इसलिए क्योंकि क्राइम हमारे घर का कंडीशन बहुत खराब कर दिया है लोग मार पीट के। थाना उमरी बेगमगंज है, सुनवाई नहीं हो रही, मैं जिलाधिकारी पास आई हूँ हमारी सुनवाई करने के लिए, क्राइम बहुत बढ़ रहा है, कोई प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। बात इसलिए हुआ है क्योंकि मेरा घर वो कब्जा करना चाहते हैं, हमारे गेट के अंदर ताला लगा के हमारी पूरी फैमिली को मारा गया, हम लोग को छेड़छाड़ करने की है पूरे परिवार को। थानेदार सूबेदार रामसागर यादव जिलेदार यही लोग मारे हैं हमको, पट्टीदार हैं गाँव के, दूसरे प्रधान बुलाए वो आई, वो भी कुछ कार्रवाई नहीं की, हम लोग को उल्टा गाली दे रहे हैं और मार के भगा रहे हैं, बोले तुम ये लोग गलत हो कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हमारा कुछ नहीं होगा, कल शपथ ग्रहण में योगी जी बोले हैं कि क्राइम को बंद करेंगे, गोंडा जिला का क्राइम दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, योगी सरकार रही है जब से और हमारी पूरी फैमिली, प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है, क्राइम क्यों नहीं रोका जा रहा है, अगर यहाँ नहीं होगा हम लखनऊ जाएंगे, लखनऊ नहीं होगा प्रधानमंत्री के पास जाएंगे, अगर वहाँ भी नहीं होगा आत्महत्या कर लेंगे हम लोग, ऐसे मीडिया खड़ी रहेगी और आत्महत्या कर लेंगे क्योंकि क्राइम से बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारी थाना अध्यक्ष ने कोई बात नहीं सुनी है, हमारी फैमिली का हम 23 तारीख को गए हैं FIR करवाने के लिए, NCR कर दिए हैं, उसके सर फूट गया था मेरे बहन के, इतना उंगली घुस गया फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। 17 तारीख को उनको पकड़ के लेके गए, प्रधान गए छुड़वा लाए, हमारे पापा के ऊपर लोग संपत्ति भू माफिया के मुकदमे लगाए रहे जा रहे हैं, जो हम आबादी में बसे हैं और जो गौचरी में 20 बीघा गौचरी में घर बना के रखे हैं, उनके लिए ना लोग संपत्ति है ना भू माफिया के मुकदमे है और ना उनके लिए प्रशासन है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और उनके ऊपर सारी चीज़ें लगा कि आज मेरे पापा नहीं 5 साल हो गए घर पे बैठे, 1 रुपया नहीं कमाए, हमारी लोग की पढ़ाई लिखाई खाने पीने का सारा चीज बंद हो गया और हमारे घर के सारा सामान ढोले गए, मेरे छोटे छोटे भाई उनको मार दिए, पैर पूरा सूजा, चलने की हालत